आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गजरभत। इसको गजरभत भी बोलते हैं, गजरेला भी बोलते हैं, गाजर की खीर भी बोलते हैं। इसको जो चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन चीज़ वही है जो हम गाजर को दूध के साथ पकाते हैं, थोड़ा सा चावल डालते हैं। बहुत ही अच्छा ये डेजर्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों की गाजर है, बहुत अच्छी आई हुई है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने गाजर के और भी रेसिपीज डाली हुई हैं। गाजर का हलवा, सफ़ेद गाजर का हलवा, और गाजर की मैंने सब्जी भी बना के डाली हुई है। एक मिक्स सब्जी भी बना के डाली हुई है जिसमें गाजर, मेथी और सारी सब्जियां हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी, ऊपर एक आई बना हुआ आएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी रेसिपी पर पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसके हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और इसको कैसे तैयार किया है। गजर भत्त के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 2 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है, आधा किलो गाजर लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है बारीक, और हाफ कप से कम ये चावल था जिसको मैंने भिगोया हुआ है, हाफ कप से ज़्यादा चीनी है। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से इसको डालिएगा। इलायची पाउडर है, कुछ चिरौंजी है, खोपरा है जिसको भी मैं काटूंगी मैं, और 5-6 मैंने लौंग ली हैं। तो इसको मैंने दूध दूध को को बॉईल बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें ये मलाई है, इसको मैं इसी में रहने दूंगी। और दूध वैसे एक बार मैंने बॉईल किया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं इसमें बॉईल लाऊंगी, तब मैं इसमें चावल डालूंगी। दूध में बॉईल आ गया है, अब इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। पहले और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इसको हमें छोड़ना नहीं होगा। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट देके बीच बीच में चलाएंगे इसको। हम नॉन स्टिक में इसीलिए बना रहे हैं कि थोड़ा सा केयर फ्री होके हम इसको बनाएंगे। अगर हम एल्युमिनियम का या स्टील का कोई बर्तन लेते हैं तो उसमें चिपकने का डर रहता है। नॉन स्टिक में थोड़ा इस बात से हम आसानी रहती है कि इसमें चिपकने का डर नहीं रहता है, लेकिन तब भी इसे हमें बीच बीच चलाना होगा, अदरवाइज चावल जो है नीचे जाके चिपक जाएगा। तो थोड़ा इसको हम गाढ़ा होने देंगे, चावल को इसके साथ पकने देंगे, तब हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल दे रही हूँ, इससे ये होगा कि जायका भी बढ़ता है और रंग भी अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, कोई ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। जैसे जैसे इसके साथ पकेगा ये अपना रंग छोड़ेगा और जायका भी बहुत अच्छा आ गया गजर भत्त का। इसमें एक बॉईल आ गया है, मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी। मैंने 15 मिनट से इसको रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, चावल भी इसमें मिल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं गाजर डालूंगी। अभी देख सकते हैं कि केसर की वजह से इसका रंग कितना अच्छा आ गया, थोड़ा पीला पीला आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ थोड़ा, ये क्योंकि मैंने नॉन स्टिक लिया है इसमें थोड़ी आसानी है। इसमें बीच बीच में बस छोड़ भी दे रही थी और बीच बीच में चला भी रही थी, थोड़ा केयर फ्री होकर हम इसमें मैं कर आपसे सकते यही हैं। ना रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी बनाएं तो उसको नॉन स्टिक में ही बनाएं, अदरवाइज खीर किसी भी तरह की हम खीर बनाएं तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, नीचे अगर लग जाती है तो बड़ा गंदा जायका हो जाता है उसका। तो अब इसको भी हम धीरे धीरे चलाएंगे, लगातार मेरी फ्लेम जो है मीडियम ही है, धीरे धीरे इसको पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी। बाय द टाइम ये पक रहा है, मैंने इस तरह से ये खोपरे को काट लिया है पतला पतला स्ट्रिप में, इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इनको और फर्दर मैं छोटा छोटा काट ले रही हूँ, इस तरह से मैंने इनको कर लिया है। ये मैं छुरी से कर रही हूँ, उसको मैंने छुरी से किया है, फिर उसको मैंने कैंची से पतला पतला काट लिया है इस तरह से। तो बाय द टाइम ये हो रहा है, मैं तब तक ये काम कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से काटा है, आप इस तरह से पतला स्ट्रिप काट लीजिएगा। छुरी आपकी तेज होगी तो अच्छे से कट जाएगा, इस तरह से आप पतले पतले काट लीजिएगा। इस तरह से कर लिया है मैंने, और फिर इनको फर्दर मैंने कैंची से इनको इस तरह से पतला पतला काटा है। सबको मैंने इस तरह से कर लिया है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने मिट्टी के रखे हैं, इनको मैं इसी में खीर निकालूंगी गाजर की, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देती हूँ।
तो सही होगा, ये साफ भी हो जाएंगे और ये थोड़े से मजबूत भी हो जाते हैं पानी में भिगोने आप से। ये देख सकते हैं, मुझे इसको आधा घंटे से मैं पका रही थी तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, थोड़ा ये जो गाजर और गलेगी। बिल्कुल ये रिड्यूस हो गया है, अच्छे से सब चीज़ गल गई है, चावल भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स निकाले थे ये हम डाल देते हैं इसमें, ये जो हमने काटा है चिरौंजी और खोपरा, नारियल जिसको कहते हैं, इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं ये इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें केसर भी डला है, इलायची का पाउडर डला है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं अब इसमें चीनी भी डाल देती हूँ, चीनी डालने पे फिर ये थोड़ा सा पतला होगा, उसके बाद हम 2-3 मिनट पकाएंगे बस। चीनी में डाल रही हूँ, चीनी आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी आप इसको अपने हिसाब से ही रख सकते हैं, ज़्यादा पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, जिस तरह का भी चाहिए, वैसे थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है ये, और ठंडा होने पे ये और गाढ़ा होगा। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पतला छोड़ेंगे। इसके लिए मैंने पतली वाली गाजर ली थी, गाजर गजर भत्त के लिए, गाजर के हलवे के लिए थोड़ी मोटी गाजर ली जाती है, इसके लिए मैंने पतली वाली गाजर ली थी। एक बार इसका मैं चख लेती हूँ इसमें चीनी कैसी है। ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। इसका हम थोड़ा सा भगार करेंगे घी में। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, ठंडा होने पर ये और गाढ़ा होगा। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ, गैस ऑफ कर मैंने रही एक हूँ छोटा मैं। सा पैन कट रख दिया है, मैं इसमें घी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। घी गर्म हो गया, अब इसमें मैं लौंग डाल देती हूँ। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। गजर भात हम निकाल लेते हैं, आप देखिए ठंडा हो गया थोड़ा सा, मैं इसको निकाल लेती हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये जो मैंने मिट्टी के मंगाए हुए हैं अफोरे, इसमें निकाल लेते हैं। गजर भत्त तैयार है, आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत जबरदस्त लाजवाब डेजर्ट है ये। इस तरह की चीजें सर्दियों में ही ज्यादा अच्छी बनती हैं और उसमें खाना भी अच्छा लगता है। सर्दियों में जो गाजर आती हैं उनका जायका भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठी होती हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि ये रेसिपी आप तैयार करिएगा घर में जरूर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, और नीचे एक सब्सक्राइब का भी बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है और वो आपसे मिस हो सकता है। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैला आज तक।